दोस्तों, हाल ही में मैंने अपने चैनल पर केयर ऑफ कंधाल नाम की मूवी को एक्सप्लेन किया था, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। ज्यादातर लोग समझते हैं कि साउथ सिनेमा में सिर्फ एक्शन और थ्रिलर ही होता है, लेकिन मैं ऐसी मूवीज लेकर आता हूँ जो एकदम यूनिक होती हैं। खैर, आपका ही कहना था कि मैं ऐसी ही एक और हार्ट टचिंग मूवी फिर से लेकर आऊँ, तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर मैं फिर से हाजिर हूँ एक ऐसी ही मूवी को लेकर, जिसे देखकर आप अपने इमोशंस को नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है जो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कॉलेज को, जहां एनुअल प्रोग्राम चल रहा होता है। इसी बीच हम जो नाम के लड़के को उसके दोस्त के साथ कॉलेज की दीवार से कूदकर अंदर आते हुए देखते हैं। हालांकि वो सभी उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद पता नहीं किस बात पर जो और उसके दोस्त की लड़ाई कॉलेज के बाकी लड़कों से होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ टीचर्स आ जाते हैं और उनको देखकर जो और उसके दोस्त वहाँ से वापस भाग जाते हैं और उस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेते। अब यहाँ से सीन 10 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ जो और उसके दोस्त अपने घर के टेरेस पर बैठकर दारू पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उसकी शादी श्रुति नाम की लड़की से होने जा रही थी। पर इसी बीच वहाँ पर श्रुति की बहन आ जाती है। वो जो से कुछ कहने आई थी, लेकिन उसको नशे में देखकर वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद जो के पास श्रुति का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि असल में मैंने आपसे शादी के लिए हाँ पापा के दबाव में आकर किया था, लेकिन अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। मैं इस शादी को नहीं रोक सकती, पर मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, इसलिए प्लीज आप ही कुछ कीजिए और इस शादी के लिए मना कर दीजिए। ये सुनकर जो के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। इसी के साथ वो अचानक कुछ सोचते हुए फ्लैशबैक में 10 साल पीछे चला जाता है। ये वो वक्त होता है जब जो और उसके दोस्त कोयम्बटूर के जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज का पहला दिन होता है, तभी जो वहाँ एक लड़की को रोते हुए देखता है, जिसका नाम होता है सुचित्रा। सुचित्रा को देखते ही जो को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, और उससे भी अच्छी बात ये होती है कि वो उसी की क्लासमेट होती है। अब क्लास में बैठे बैठे वो सोचने लगता है कि आखिर वो रो क्यों रही थी, आखिर उसे क्या परेशानी होगी। अब जो के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि सुचित्रा असल में मलयाली लड़की है और उसकी क्लास में एक भी क्लासमेट मलयाली नहीं है, इसी वजह से वो परेशान है। अब अगले दिन जब जो अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठा होता है, तभी सुचित्रा अपनी सहेली के साथ आकर जो को अपने पास बुलाने लगती है। ये देखकर सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक दिन में ये लड़की जो से बात कैसे करने लग गई। वापस आने पर जो अपने दोस्तों को बताता है कि असल में आज सुबह जब सभी कंप्यूटर क्लास में थे, तो टीचर ने सभी को बायोडेटा लिखने को कहा था। अब अपना बायोडेटा लिखने के बाद जब सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले गए, तो मैंने सुचित्रा के पूरे नाम में सुचित्रा नायर की जगह सुचित्रा जो लिख दिया। असल में मैं उसे इसी तरह से प्रपोज करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि जो रोज सुचित्रा को बस ऐसे ही देखता रहता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। अब सुचित्रा जिस कलर की ड्रेस को पहनकर आती है, जो भी डेली उसी कलर का शर्ट पहनकर आने लगता है। ये देखकर उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि आखिर तुमको ये सब कैसे पता चलता है। जो बताता है कि मैंने उसकी फ्रेंड से दोस्ती कर ली है, जो मुझे ये सब बताती रहती है। अब बीच में जो कई बार सुचित्रा से किसी बहाने बात तो कर लेता है, लेकिन उसे प्रपोज नहीं कर पाता। फिर एक दिन जो को कंप्यूटर क्लास के टीचर अंदर आने नहीं देते, क्योंकि उसके पास लैब कोट नहीं होता। इसी बहाने से अब जो सुचित्रा के पास जाता है और उससे उसका लैब कोट मांगने लगता है। सुचित्रा उसे वो दे देती है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद ओणम का प्रोग्राम होता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आते हैं। यहाँ सुचित्रा भी अपने मलयालम ट्रेडिशन के कपड़ों में आती है, जिसे देखकर वो फिर से उसके पास जाकर उससे अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है। लेकिन तभी सुचित्रा उसे हैप्पी ओणम बोल देती है, और इसके बाद जो भी बस इसी का जवाब दे पाता है और फिर कुछ नहीं कह पाता। अब यहाँ ये चीज कुछ सीनियर्स नोटिस कर लेते हैं, इसलिए वो अगले दिन जो के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सुचित्रा को पसंद करते हो, तो उसे भूल जाओ, क्योंकि उसे हमारा दोस्त पसंद करता है। अब ये सुनकर जो बहुत ही मायूस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो सुचित्रा को सच्चा प्यार करता था। जो के दोस्त उसे समझाते हैं कि अगर तुम सुचित्रा को पहले प्रपोज कर दोगे, तो वो फिर किसी के पास नहीं जाएगी, और वैसे भी कुछ दिनों में हॉलीडेज आने वाले हैं, इसके बाद फिर अगले साल ही मुलाकात हो पाएगी, इसलिए जल्दी कोई मौका ढूंढो और उसे अपने मन की बात बता दो। अब इस बार जो ज्यादा इंतजार नहीं करता और धीमे से सुचित्रा को प्रपोज कर देता है, लेकिन अगले ही पल वो ये बोलकर क्लास से भाग जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद वो वापस आता है, तो देखता है कि सुचित्रा अपनी सीट पर बैठकर रो रही है।
वो अपने दोस्तों से कहता है कि ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है, अगर तुम लोग मुझसे नहीं कहते तो मैं उसको नहीं बोलता और वो रोती नहीं। खैर, अब क्लास खत्म होने के बाद जो और उसके दोस्त सुचित्रा और उसकी फ्रेंड के पीछे जाने लगते हैं ताकि वो जान पाए सुचित्रा ठीक है या नहीं। इस बीच एक फ्रेंड उसकी फ्रेंड से पूछता है कि सब ओके है ना, तो फ्रेंड कहती है कि हाँ सब ओके है। ये सुनकर दोस्तों को लगता है कि सुचित्रा ने हाँ कर दी है इसलिए सब ओके है, जबकि उसकी फ्रेंड ने सिर्फ सुचित्रा के बारे में बोला था कि वो ठीक है। खैर, अब छुट्टियों का समय आ जाता है और फिर उस दिन के बाद से जो को भी लगने लगता है कि सुचित्रा ने उसे हाँ कह दिया है, इसलिए वो बस स्टॉप पर वेट कर रही सुचित्रा के पास जाता है और उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुचित्रा उससे कोई भी बात नहीं करती, जिसकी वजह से जो भी अपनी बात शुरू नहीं कर पाता। अब थोड़ी देर बाद सुचित्रा की बस आ जाती है और वो बस में जाकर बैठ जाती है। अब जो भी उस बस में जाने वाला होता ही है कि तभी एक सीनियर लड़का आकर सुचित्रा के पास बैठ जाता है। ये देखकर वो एकदम से स्टंट हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। बस के चलने के साथ साथ सुचित्रा की आंखें भी जो की तरफ ही होती हैं, जैसे वो कहना चाहती हो कि आखिर तुम मेरे पास आकर क्यों नहीं बैठे। अब वो कहते हैं ना कि सच्चे प्यार में लोग आंखों से बात करते हैं, ठीक वैसे ही जो भी सुचित्रा की आंखों की बात समझते हुए उस बस में चढ़ जाता है और उस सीनियर को हटाकर खुद वहां पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो सुचित्रा के शोल्डर पर अपना हाथ भी रख लेता है और इसके बाद सुचित्रा भी नॉर्मल होकर उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। तो इस तरह से वो एक दूसरे को बिना कुछ कहे अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। उस दिन के बाद दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ महीने बीत जाने के बाद जब वो दोनों बस में होते हैं तो जो सुचित्रा से किस करने के लिए कहता है, पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब यही बात रात को पार्टी करते हुए जो अपने दोस्तों को बता देता है, लेकिन रात को उसका एक दोस्त यही बात अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि देखो जो ने सुचित्रा को किस कर लिया, आखिर हम लोग किस कब करेंगे। अब ये बात गर्लफ्रेंड पूरे हॉस्टल में फैला देती है और फिर सुचित्रा के पास तक चली जाती है। ये सुनकर सुचित्रा बहुत ही एम्बेरस फील करती है और फिर जो को फोन करके कहती है कि तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है या नहीं, आखिर अपनी ये बात कोई अपने दोस्तों को कैसे बता सकता है। तुम एक लड़के हो लेकिन तुम्हें एक लड़की के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। जो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांग लेता है और इसी तरह जब भी दोनों में झगड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर उसको शांत कर लेते हैं। फिर एक दिन दोनों एक साथ मंदिर में जाते हैं जहां सुचित्रा को एक मंगलसूत्र का धागा लटका हुआ दिखता है। सुचित्रा मजाक में कहती है कि आखिर तुम मुझे मंगलसूत्र कब पहनाओगे, जिस पर जो उस मंगलसूत्र को उतार कर सुचित्रा के गले में डालने लगता है और डर के मारे सुचित्रा आंखें बंद कर लेती है। और इसी बीच जो ऐसा करते करते रुक जाता है और फिर सुचित्रा कहती है कि नहीं जो, तुम रुको नहीं, आज हम मंदिर में हैं, फिर पता नहीं कितने समय बाद ये मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी जो उस मंगलसूत्र को वापस उसी जगह पर रख देता है। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि जो श्रुति से ही शादी कर रहा है और उसके गले में मंगलसूत्र पहना रहा है, जबकि श्रुति इस सब से बिल्कुल खुश नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से पीछे जाती है जब सुचित्रा और जो की पढ़ाई खत्म हो चुकी है और उनका आज कॉलेज में आखिरी दिन है। अब उस दिन सुचित्रा बहुत मायूस होती है और जो को गले लगाकर कहती है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी, पर जो उसे समझाता है कि देखो तुम्हारे घर वाले अभी तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं और मुझे भी हमारे फ्यूचर के लिए आगे पढ़ना होगा, इसलिए सिर्फ 2 साल की बात है, हम अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और मैं जॉब करूंगा, फिर दोनों एक साथ में होंगे, इसलिए हमारी फैमिलीज को भी दिक्कत नहीं होगी और हमारी शादी हो जाएगी। अब जैसे तैसे सुचित्रा इसके लिए मान जाती है और फिर ये दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब ये दोनों डेली एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं और साथ में लड़ते लड़ते सॉरी भी बोलते रहते हैं। इसी तरह धीरे धीरे 1.5 साल निकल जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलने की प्लानिंग करते हैं और एक रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। एक दूसरे को देखते ही दोनों का गुस्सा गायब हो जाता है और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। थोड़ी देर तक प्यार भरी बातें करने के बाद जब फ्यूचर को लेकर बातें होती हैं तो दोनों फिर से झगड़ा शुरू कर देते हैं और फिर सॉरी बोलकर फिर से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन तभी जो कहता है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा, हम ऐसे कब तक लड़ेंगे और फिर सॉरी बोलेंगे, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है, हम ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों बाद एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं ताकि हम एक दूसरे की अहमियत को समझ पाए, इसलिए मुझसे वादा करो कि इस बीच तुम मुझे भूलोगी नहीं। ये सुनकर सुचित्रा एकदम से ऐसा करने से मना कर देती है, वो कहती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा,
हम ऑलरेडी 1.5 साल एक दूसरे से दूर रहकर गुजार चुके हैं और अब तुम कह रहे हो कि बात भी नहीं करोगे, तो मुझसे ये सब नहीं होगा। लेकिन जब जो उसको समझाता है तो फिर लास्ट में सुचित्रा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब जो ने मना तो किया था, लेकिन वो खुद 2 दिन भी सुचित्रा के बिना नहीं रह पाता और उसको कॉल करने लगता है। लेकिन सुचित्रा उसके फोन को काटकर मैसेज करती है कि तुम्हें स्पेस चाहिए था ना, तो ले लो स्पेस और करके देख लो जो तुम कह रहे थे। इस बात को अब जो भी सीरियसली ले लेता है और इस तरह इन दोनों के 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने पूरे होते ही अगले दिन सुचित्रा जो को कॉल करती है और उससे कहती है कि चलो टाइम पूरा हो चुका है, अब मेरे माता पिता के पास आकर मेरा हाथ मांगो। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर कोई बात ऊंची नीची हो जाए तो शांति से बात करना। अगर तुमने अपना गुस्सा सभी को दिखा दिया तो हमारी बात बिगड़ जाएगी। जो इसके लिए मान जाता है और जल्दी ही सुचित्रा के घर पहुंचता है। लेकिन सुचित्रा के घर रिश्ते की बात करते ही कोई भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानता और थोड़ी देर बाद बातों ही बातों में सुचित्रा के चाचा और मामा जो के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं। लेकिन बेचारा जो सुचित्रा की बात को याद करते हुए शांत ही रहता है। और इस बीच वो पिटते हुए जैसे ही सुचित्रा के पिता के ऊपर जाकर गिरता है, वैसे ही सुचित्रा भी अपने कमरे से शोर की वजह से बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि शायद जो उसके पिता पर हमला कर रहा है। ये देखकर वो जो को खूब सुनाती है कि मैंने मना किया था ना, गुस्सा मत करना और तुम मेरे ही बाबा पर हाथ उठा रहे हो। जो उसको कुछ बोलता उससे पहले ही सुचित्रा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब अच्छा होगा तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि तुम अपनी आदत नहीं बदलोगे। बेचारा जो चुपचाप खड़ा खड़ा ये सब सुनता रहता है और इसके बाद सभी उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बाहर आकर जो बहुत रोता है, इतने सालों का प्यार अब उसके हाथ से जा चुका था। वो इस बात से बहुत ही दुखी होता है कि सुचित्रा उसको अभी तक समझ नहीं पाई। इसी बीच 2 दिन के बाद उसके दोस्त उसे बताते हैं कि सुचित्रा किसी और से शादी कर रही है। वो एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाकर जो को इस बारे में बताते हैं। जो ये देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे एक बार सुचित्रा से मिलना है, अगर वो कह देगी कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। उसके दोस्त उसका इस बात में साथ देते हैं और फिर सभी लोग उसकी शादी वाले दिन उसके घर पहुंचते हैं। अब जो वहां तक पहुंच तो जाता है, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सुचित्रा को शादी के जोड़े में किसी और के साथ देखे। पर इसके बाद वो जैसे तैसे हिम्मत करके घर के अंदर जाता है तो उसका दिमाग खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके सामने सुचित्रा अपनी शादी के जोड़े में नहीं बल्कि सफेद कपड़े में लिपटी होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सुचित्रा ने खुद को खत्म कर लिया है। अब सुचित्रा को देखकर जो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो निशब्द हो जाता है। जो को देखकर सुचित्रा के पिता उसके पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। इसके बाद वो उसे सुचित्रा के पास ले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सुचित्रा ने मरने से पहले एक लेटर अपने पिता के लिए लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि पापा मैं जो से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उस दिन जब उसने आपके ऊपर हाथ उठाया तो मैंने सोचा कि अगर मैंने उससे शादी कर ली तो जब भी आप उसे देखोगे तो आपको वही सब याद आएगा जब उसने आपके ऊपर हाथ उठाया था। दूसरा, मैंने जिंदगी में आपके जैसे किसी आदमी को नहीं देखा, लेकिन जब मैं जो से मिली तो उसमें मुझे आप दिखे और आपके बाद एक वही था जिसने मुझे इतना प्यार दिया और ख्याल रखा, और इसलिए पापा मैं आप दोनों के लिए खुद को खत्म कर रही हूँ क्योंकि आपके सामने मैं उससे शादी नहीं कर सकती और मैं खुद उसके बिना नहीं रह सकती। मेरे गले में जो काला धागा है वो जो नहीं मुझे मंदिर में बांधा था, इसलिए मैं उससे शादी कर चुकी हूँ, लेकिन इस तरह आप लोगों को छोड़कर जाने के लिए मुझे माफ कर देना और जो से कहना कि वो भी मुझे माफ कर दे। अब ये लेटर जब जो को मिलता है तो वो एकदम से टूट जाता है। उसे लगता है कि जिस लड़की को वो इतना गलत समझ रहा था वो उसके बिना रह भी नहीं पाई और खुद की जान भी ले ली। वो फूट फूट कर रोता है और उस दिन के बाद खुद का ख्याल रखना भी बंद कर देता है। वो खुद को भी खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो ऐसा करता है मानो सुचित्रा उसको ऐसा करने से रोक लेती है। एक दिन वो बैठकर यही सब सोच रहा होता है कि काश मैं उस दिन सभी के सामने सुचित्रा को सब कुछ सच बता देता तो आज वो कम से कम जिंदा होती, आखिर मैं उस दिन चुप क्यों रहा। ये सोचकर वो एक बार फिर से जहर खा लेता है, लेकिन इस बार उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। हॉस्पिटल में हम पहली बार जो के पिता को देखते हैं। वो उससे कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा करने से पहले मेरे और तुम्हारी माँ के बारे में क्यों नहीं सोचा, आखिर तुम्हारे बाद हमारा इस दुनिया में क्या काम। और एक बात याद रखना बेटा कि अगर तुम जिंदा हो तो जरूर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच रखा होगा। ठीक ऐसे ही जो की माँ भी घर पर उसे खूब डांटती है कि अगर तुम उस लड़की के प्यार की वजह से खुद को मार रहे थे तो हमारे प्यार के खातिर एक बार खुद को जहर देने से पहले रोक भी लेते, इसलिए आगे से ऐसा कुछ मत करना वरना हम दोनों जीते जी मर जाएंगे। अब उस दिन के बाद से जो शराब पीना छोड़ देता है और देखते ही देखते कुछ महीने निकल जाते हैं, पर वो अभी भी सुचित्रा के बारे में ही सोचता रहता है।
इस बीच एक दिन उसके माँ बाप उसका रिश्ता श्रुति नाम की लड़की से तय कर देते हैं। अब माता पिता की वजह से वो हाँ तो कर देता है, लेकिन उसके मन में अभी भी सुचित्रा ही होती है। और यहाँ से सीन सीधा शादी की रात पर शिफ्ट होता है, जहाँ जो का एक दोस्त उसे बताता है कि असल में कल रात श्रुति ने तुमको कॉल किया था, जिसको मैंने अटेंड किया। उसने शादी के लिए मना किया था, लेकिन मैं तुमको बताना भूल गया। ये सुनकर जो अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं उसको कैसे समझाऊंगा? एक तो मैं पहले से ही सुचित्रा के गिल्ट में जी रहा हूँ, ऊपर से तुमने मुझे एक नया गिल्ट दे दिया। इस तरह हमें पता चलता है कि जो को श्रुति के कॉल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वरना वो शादी के लिए खुद मना कर देता। अब वो हिम्मत करके ये बात श्रुति को बताने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ वो उल्टा उसी पर बरस पड़ती है कि आखिर तुमने अपने मन की कर ली। जब मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? सुना है तुम एक लड़की को चाहते थे जो मर गई। शायद तुमने उस लड़की का दिल नहीं समझा, इसलिए उसने ऐसा किया। इतना सब सुनकर जो अपनी सारी बातें भूल जाता है और फिर से सुचित्रा के बारे में सोचने लगता है, और इस शादी को लेकर भी दुखी हो जाता है। अब उस रात तो वो जैसे तैसे चुप रहता है, लेकिन अगले दिन से ही श्रुति को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और उसकी एक नहीं सुनती। वो बस अपने काम पर जाती है और घर वापस आ जाती है। अब बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी जब जो उसको कुछ समझा नहीं पाता, तो वो फिर से सुचित्रा की याद में शराब पीने लगता है। अब इसी बीच एक रात जब वो अपने दोस्त से बात करते हुए बाइक से वापस घर जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है। वो उस पुलिस वाले को समझाता है कि सर, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, लेकिन वो पुलिस वाला फिर भी उसकी बाइक को नहीं छोड़ता और कहता है कि अगर चुप नहीं हुआ तो शराब पीकर बाइक चलाने का चालान काट दूंगा। ये सुनकर जो को गुस्सा आ जाता है और वो सच में शराब निकालकर पीने लगता है, जिसे देखकर पुलिस वाला उसे सीधे हवालात ले जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ श्रुति के पापा आते हैं और उसे वहाँ से छुड़वाते हैं। रास्ते में जो को इस बात को लेकर काफी दुख होता है कि उसकी वजह से उनको परेशान होना पड़ा। श्रुति के पापा उससे कहते हैं कि बेटा, शायद तुम्हारे और श्रुति के बीच कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे कॉलेज में आकर काम को संभालो। इससे तुम दोनों को साथ में वक्त गुजारने का और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि श्रुति के पिता का एक कॉलेज होता है, जहाँ श्रुति भी टीचर होती है। खैर, इसके बाद उसके पिता जो को घर छोड़ देते हैं, और घर पहुँचते ही श्रुति फिर से उसके ऊपर बरस पड़ती है कि तुम चाहे दारू पियो या कुछ भी करो, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरे पापा को पुलिस स्टेशन जाना पड़े। वो आज तक वहाँ नहीं गए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से उनको जाना पड़ा। यहाँ जो श्रुति से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है श्रुति, इसलिए आओ यहाँ बैठकर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त वो बहुत गुस्से में होती है, इसलिए उसकी एक भी बात नहीं मानती। इसलिए जो उसको पकड़कर वहाँ बैठने के लिए कहता है, लेकिन ये देखकर श्रुति अचानक से बहुत डर जाती है और फिर एक कोने में बैठकर रोने लगती है। ये देखकर जो एकदम से शॉक हो जाता है कि आखिर वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। इसलिए अगले दिन वो ये बात श्रुति की बहन से पूछता है कि क्या श्रुति कॉलेज में किसी को पसंद करती थी या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। तो श्रुति की बहन कहती है कि नहीं जीजाजी, दीदी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो सिर्फ अभी काम करना चाहती थी और शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो स्ट्रेस में होगी, आप उसे थोड़ा वक्त दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। खैर, अब अगले दिन जो अपने ससुर जी की बात मानते हुए कॉलेज आ जाता है। कॉलेज में आकर वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगता है, जहाँ उसे सुचित्रा भी याद आती है, जिससे वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जो वहाँ के वॉचमैन मुत्तू से दोस्ती भी कर लेता है, क्योंकि मुत्तू एक उम्रदराज आदमी था और बाकी सभी वहाँ जवान थे, इसलिए जो उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। खैर, अब एक दिन जो स्टाफ मीटिंग अटेंड करता है, जहाँ उस मीटिंग में श्रुति सभी को बता रही होती है कि मेरे रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, इसलिए सभी टीचर्स रूल्स पर ध्यान दें। जो को पता चलता है कि श्रुति ने रूल्स बनाए हैं कि लड़के और लड़कियां साथ में बात नहीं करेंगे और मेल टीचर्स भी फीमेल टीचर्स से बात नहीं करेंगे। यहाँ श्रुति के ऐसे डिसीजन को देखकर जो को शक होता है कि कोई ना कोई बात जरूर है जो उसे श्रुति के बारे में नहीं पता। वो अपने दोस्तों से इस बारे में पता करने के लिए कहता है, तो उसे पता चलता है कि श्रुति जब कॉलेज में थी तो उसे एक लड़का बहुत पसंद था, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। कॉलेज के बाद उसने उस लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं मुत्तू एक स्वीपर लड़की को रोज डांटता ही रहता है। ये देखकर आखिरकार एक दिन जो उससे पूछ लेता है कि आप रोज उस लेडी को क्यों डांटते रहते हैं, वो काम करती तो है। यहाँ मुत्तू उससे कहता है कि मैं असल में उसको इसलिए डांटता हूँ ताकि कभी तो वो मुझे पलटकर जवाब दे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी है। मुत्तू बताता है कि बहुत पहले मैं रात को ड्यूटी करके दिन में दारू पीकर सोता था, इसलिए जब एक दिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई तो मुझे नशे में ही दिन में अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। अब नशे में होने की वजह से मैं अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे पाया,
और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। वो दिन है और आज का दिन है, मेरी बीबी ने मुझसे बात नहीं की है। वो उस चीज को लेकर अभी तक मुझसे नाराज है, जबकि मैं अपने बेटे के जाने के गम को आज तक किसी के साथ बांट भी नहीं सका हूँ। मैं अपनी बीबी का असली गुनहगार हूँ, इसलिए मैं उसको डांटता हूँ कि शायद वो कभी मुझसे बात करे। लेकिन अब 24 साल गुजर गए हैं, पर उसने मुझे आज तक कुछ भी नहीं बोला। ये सुनकर मुत्तू के साथ साथ जो भी काफी इमोशनल हो जाता है। खैर, अब कुछ दिनों बाद कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम होने वाला था, इसलिए श्रुति कहती है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग परफॉर्म करना होगा। वो अपनी बात कह रही होती ही है कि इतने में बाहर शोर होने लगता है। बाहर जाकर देखने पर सभी को पता चलता है कि असल में सभी मुत्तू को मार रहे होते हैं, क्योंकि वो लेडीज टॉयलेट में गया था। अब जो वहाँ पर आकर सभी को रोकता है, और इतने में मुत्तू की बीबी भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं कही और मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने चली गई। मेरे पति ने देखा कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मेरी सैलरी ना कटे तो वो खुद मेरी जगह पर लेडीज टॉयलेट को साफ करने चले गए, और आप लोग गलत समझकर उनको मार रहे हैं। इतने में श्रुति कहती है, तो फिर ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी ना, ये लोग तुमको नहीं मारते। मुत्तू कहता है कि मैडम, मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, पर किसी ने बोलने ही नहीं दिया, बस मेरे ऊपर हाथ पैर चलाने लगे। इस बीच जो कहता है कि आपने सही कहा, दूसरों को कुछ बोलने का मौका ही ना देकर उनको गलत समझना भी एक गलती है। ये सुनकर श्रुति को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि जो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुत्तू अपने दर्द को भूल जाता है, क्योंकि उसकी बीवी ने आखिरकार उससे बात की थी। अब उसी रात श्रुति की बहन उसको बताती है कि जो को असल में पता ही नहीं था कि तुमने शादी की रात उसको कॉल किया था, क्योंकि वो फोन उसने नहीं उसके दोस्त ने अटेंड किया था, और उसने जो को कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर श्रुति को पता चलता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब जिस दिन कॉलेज में प्रोग्राम होता है, उस दिन वो कुछ सोचकर लड़के और लड़कियों को साथ में परफॉर्म करने की परमिशन दे देती है। ये सब होने के बाद अब लास्ट में श्रुति जो को अपने मन की बात बताती है कि असल में कॉलेज डेज में वो एक लड़के को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कॉलेज के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया, और तब से लेकर अब तक मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। अब ये सुनकर जो कहता है कि कोई बात नहीं, उसको ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो अपने दोस्तों की मदद से पता करता है कि आखिर वो लड़का कहाँ है जिसको श्रुति कॉलेज में पसंद किया करती थी। इस तरह एक ही दिन में उसके दोस्त उस लड़के को ढूंढकर प्लेग्राउंड में बुला लेते हैं, और साथ में जो भी श्रुति के साथ वहाँ पहुँच जाता है। और दोस्तों, यहाँ मूवी में जो क्लाइमेक्स दिया गया है वो सच में आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगा, इसलिए मैं इसके स्क्रिप्ट राइटर को सलाम करता हूँ। खैर, अब सभी प्लेग्राउंड में आ जाते हैं तो श्रुति उस लड़के को देखकर सरप्राइज हो जाती है। यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि कॉलेज में श्रुति ने इस लड़के को प्रपोज तो किया था और वो इसको पसंद भी करती थी, लेकिन इसी का फायदा उठाकर वो लड़का श्रुति के साथ जबरदस्ती कर रहा था। और जब ये सब हो रहा था, तभी एक लड़का वहाँ आया और श्रुति को बचाने के लिए उसने उस लड़के से लड़ाई की। इसके बाद वो सभी वहाँ से भाग गए, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक श्रुति उस लड़के को ढूंढ रही थी जिसने उसकी जान बचाई, क्योंकि वो उसको प्यार करने लगी थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वो उस लड़के को मारते हुए पूछती है कि बताओ, उस दिन जिस लड़के ने मुझे बचाया था वो कौन था और कहाँ चला गया। और दोस्तों, यहाँ वो लड़का कहता है कि वो लड़का जो है, यानी मूवी की शुरुआत में हमने जो लड़कों की लड़ाई देखी थी जिसमें जो किसी से लड़कर भाग रहा था, वो असल में श्रुति को बचाने के बाद ही वहाँ से भाग रहा था। अब ये बात खुद जो को भी नहीं पता होती कि श्रुति ही वो लड़की है जिसे उसने बचाया था। ये सुनकर श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जो को गले से लगाकर उससे माफी मांगने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी अपने सारे गिल्ट भूल जाता है और सुचित्रा को याद करते हुए श्रुति को एक्सेप्ट कर लेता है। वो ये समझ जाता है कि उस दिन जब उसने श्रुति का हाथ पकड़ा था तो वो रो रही थी, तो उसे वही कॉलेज वाला इंसिडेंट याद आ रहा होगा। अब यहाँ डायरेक्टर हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं जो इस मूवी की पूरी समरी को बताता है। उसमें लिखा है कि अगर आप अपनी जिंदगी के मतलब को खो चुके हैं तो उसको फिर से खोजिए, लेकिन खुद को मत खोइए। और इसी के साथ इस खूबसूरत मूवी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।